हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निश्चित मैंगो चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर पाठ योजना संख्या 28 बनाने का। इसमें हम गृह विज्ञान का लेसन प्लान बना रहे हैं जिसमें हमारा 28वां संख्या है। तो चलिए देखते हैं। पहली हेडिंग विद्यालय का नाम, इसमें विद्यालय का नाम दिया है देखिए, बापू लघु माध्यमिक विद्यालय नटवा जंगल महाराजगंज, ये स्कूल का नाम है जहाँ पे हम टीचिंग करते हैं। और यह छात्राध्यापिका का नाम, अगर लड़का तो हो तो यहाँ पे छात्राध्यापक लिखकर और अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर सकता है। फिर अगली हेडिंग्स है, पहले में लिखते हैं दिनांक, दूसरे में कक्षा, तीसरे में विषय और चौथे में अवधि और पांचवें में चक्र। दिनांक में जिस डेट को हम पढ़ाते हैं वो लिखते हैं, किस क्लास में पढ़ाते हैं यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं, और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और कितना मिनट पढ़ाते हैं यहाँ पे 40 मिनट है, और किस घंटी है तो ये दूसरी घंटी है तो दूसरी द्वितीय लिखे हैं। फिर हमारा प्रकरण है सिलाई कला, यानी सिलाई होती क्या है इसका ज्ञान हम सीखेंगे। फिर है अगली हेडिंग सामान्य उद्देश्य, इसमें हमने पूर्ववत लिखा है, पूर्ववत तो पहले हमने इसको डिटेल में बताया है पहले और दूसरे वीडियो में, तो बाकी वीडियो में हमने पूर्ववत लिखा है, तो आप अगर देखना चाहें तो पहला और वीडियो देख सकते हैं। फिर है अगली हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य, इसमें है शिक्षण उपरांत छात्राएं, जिसके अंतर्गत तीन हेडिंग्स आती हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिख दो है इसमें, जिसमें पहला है सिलाई कला के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगी, दूसरा है सिलाई के उपकरणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी, यानी सिलाई की में क्या क्या उपकरण प्रयोग करते हैं इसका भी स्मरण कर सकती हैं। फिर है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें दो है, सिलाई का महत्व बता सकेंगी और दूसरा है सिलाई का जीवन में क्या महत्व है इसको बता सकेंगी। अगला है हेडिंग अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें पहला है सिलाई कर सकेंगी, दूसरा है फटे कपड़ों पर रफू कर सकेंगी, इसको काम को खुद कर सकेंगी क्योंकि उन्होंने सीख चुका है। फिर अगली हेडिंग्स है शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें है सिलाई कला को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, इसमें चार्ट के माध्यम से सिलाई मशीन, कैंची, सुई धागा, कुछ भी आप इसको फिगर बना सकते हैं, तो चार्ट पे बना हुआ है, इसमें पूर्व ज्ञान है वाला हेडिंग है, जिसमें छात्राओं को सिलाई कला के बारे में सामान्य जानकारी रखती है, यानी छात्राओं को सामान्य जानकारी है और हम इसको डिटेल में बताएंगे। अगली हेडिंग है प्रस्तावना कौशल, जिसमें हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, इसमें तीन कॉलम होते हैं, पहले में क्रम संख्या जिसमें हम नंबरिंग करते हैं, और दूसरा है छात्राध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन हो सकता है, इसमें टीचर क्वेश्चन करते हैं, और छात्राएं कथन में बच्चे इसमें आंसर करते हैं वो इसमें लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है तन ढकने के लिए क्या पहनते हैं, तो बच्चे आसानी से आंसर कर सकते हैं, कपड़े, कपड़े फट जाएं तो क्या करेंगे, तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं, सिलाई करेंगे या फिर इसको सिलेंगे। तीसरी हेडिंग क्वेश्चन है सिलाई कला से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे हमने मौन लिखा है, आप यहाँ पे समस्यात्मक भी लिख सकते हैं। अगला हेडिंग है हमारा उद्देश्य कथन, इसमें हम लिखते हैं बच्चों आज हम लोग सिलाई कला के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर अगली हेडिंग से हमारी प्रस्तुतिकरण, ये हम प्रस्तुत करते हैं कि हम सिलाई कैसे करते हैं, इसके करने से क्या फायदे होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरे में होता है छात्राध्यापिका कथन, अगर लड़का हो तो छात्राध्यापक लिख सकता है, और इसमें होता है श्यामपट्ट, इसमें छात्र कथन होता है, छात्र छात्रा कथन होता है, और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य होता है। फिर इसमें हमारा शिक्षण बिंदु है कपड़ों पर रफू करना, यानी कपड़े फट जाते हैं तो उसको रफू कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कपड़े फट जाने पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे बच्चे लिख सकेंगे रफू करेंगे, रफू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कपड़े पर रफू कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर बच्चों बच्चियों को पता रहेगा तो वो बताएंगी, अगर नहीं पता रहेगा तो यहाँ पे मौन लिख सकते हैं, तो स्पष्टीकरण हम डाल के लिखेंगे, थोड़ा वस्त्र फट जाए, जल जाने पर रफू करने की आवश्यकता पड़ती है। रफू दो प्रकार से किए जाते हैं, पहला चौकोर या आयताकार यानी चार कोनों में करके, फिर दूसरा है गोल या तिकोने में। रफू करने में जिस रंग का कपड़ा होता है
उसी रंग के धागे डालकर रनिंग स्टिच के साथ साथ ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं, यानी जिस कलर का हमारा कपड़ा होता है उसी कलर का धागा लेकर मशीन की सुइयों को आगे पीछे करते हुए हम इसको कपड़े से धागे को मिलाकर रफू करते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा प्लेट डालना, जिसमें है पहला है रफू कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं दो प्रकार के। दूसरा क्वेश्चन है दोनों प्रकार के नाम बताइए, चौकोर और दूसरा गोल। तीसरा कपड़ों को सिलते समय प्लेट कैसे डालते हैं, तो यहाँ पे हमने मौन लिखा है क्योंकि बच्चों बताया नहीं, अगर यहाँ पे बच्चे बताते हैं तो आप यहाँ पे आंशिक उत्तर कर सकते हैं। फिर है अगला स्पष्टीकरण, इसमें हम लिखते हैं शरीर के विभिन्न भागों की फिटिंग, यानी होता है जो कुछ लोग होते हैं ढीले कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग फिटिंग के कपड़े, तो हम इसमें अगर फिटिंग के कपड़े होते हैं तो हम हल्का फुल्का प्लेट डालते हैं, अगर ढीले कपड़े पहनते हैं तो उसमें प्लेट नहीं डालते हैं। तो इसमें शरीर के विभिन्न भागों की फिटिंग के लिए कपड़े में प्लेट डाली जाती है, जैसे में फ्राक के घेरे में छोटा करने के लिए होता है, ऊपर हिस्सा ऊपर वाले हिस्से को छोटा करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा प्लेट डालते हैं, करने के लिए अथवा झोल देने के लिए प्लेट का प्रयोग करते हैं। प्लेट डालने के लिए या के लिए पहले पेंसिल या चाक से, अगर हमको जिस कपड़े में प्लेट डालनी होती है तो पेंसिल या चाक से कपड़े में निशान बना लेने चाहिए, इसके बाद मशीन से सिलाई करनी चाहिए। पहले चाक या पेंसिल से इसमें निशान बनाते हैं कहाँ कहाँ हमको प्लेट डालनी होती है, फिर हम इसको सिलाई मशीन से उस पर सिलाई कर देते हैं। अगला है हमारा बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न में हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे जिसमें चार कॉलम होते हैं, पहला होता है क्रम संख्या, दूसरा होता है छात्राध्यापिका कथन, अगर लड़का हो तो छात्राध्यापक कथन, और अगले में छात्राएं कथन, और इसमें सैंपट सारांश। पहला क्वेश्चन है कपड़ा फट जाने पर क्या करते हैं, तो इसमें लिखेंगे रफू, बच्चे आराम से बता सकते हैं किसको रफू करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कपड़ा फट जाने पर रफू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रफू कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले हमने बता दिया है, तो बच्चे आराम से इसको बता सकते हैं रफू दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रफू दो प्रकार के होते हैं, फिर है चौकोर या आयताकार, गोल या तिकोना, यानी चार कोण का भी हो सकता है, आयत के आकार का भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, और तीन कोण का भी कपड़ा फट सकता है, तो ये दो तरह के होते हैं जिसे हम आसानी से रफू कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रफू किस रंग के धागे से करते हैं, तो बच्चे बताएंगे जिस रंग का कपड़ा हो, हमने बताया भी है जिस रंग का कपड़ा हो उसी रंग के धागे का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जिस रंग का कपड़ा हो उसी रंग के धागे से रफू करते हैं। चौथा क्वेश्चन कपड़े में प्लेट क्यों डाले जाते हैं, कपड़ों में प्लेट क्यों डाले जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे शरीर के विभिन्न अंगों की फिटिंग के लिए, यानी हमारा कपड़ा फिट आए इसके लिए हम कपड़ों पे प्लेट डालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे शरीर में विभिन्न अंगों की फिटिंग लाने के लिए प्लेट डाले जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्लेट डालने से पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे बताते हैं निशान बनाते हैं, पेंसिल या चाक से हम यहाँ पे कपड़ों पे निशान बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लेट डालने से पहले निशान लगाते हैं, चाक हो या पेंसिल हो उसे हम निशान बनाकर प्लेट डालकर मशीन से सिलाई कर सकते हैं। अगला है हेडिंग हमारी पुनरावृत्ति के प्रश्न, इसमें हम पाँच क्वेश्चन लिए हैं जिसमें बस आंसर क्वेश्चन होता है, आंसर नहीं होता है। पहला क्वेश्चन है फ्राक का घेरा कम करने के लिए क्या करते हैं, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमने बताया भी है। दूसरा है रफू में किस स्टिच का प्रयोग करते हैं, तो ये रफू भी बताया हमने किस स्टिच का प्रयोग करते हैं, स्टिच मतलब टाके, किस तरह के टाके का हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है प्लेट डालने से पहले क्या करते हैं, तो ये भी बताया गया है। चौथा है किस रंग के धागे का प्रयोग रफू में करते हैं। पांचवा क्वेश्चन रफू कितने प्रकार के होते हैं या रफू कितने प्रकार से की जाती है। अगला हेडिंग है हमारा गृह कार्य,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें हम जो खाली स्पेस रहता है उसको भरना है, और इसको कैसे भरना है वो पूरा वीडियो देखेंगे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। पहला है कपड़े फट जाने पर खाली स्थान है करते हैं, दूसरा है फिटिंग लाने के लिए खाली स्थान डालते हैं, तीसरा है रफू में स्टिच का प्रयोग करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं पुनरावृत्ति और गृह कार्य के क्वेश्चनों को।